आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी क्लास जो है, वो हो चुकी है। तो कुछ चीजें हैं जैसे लास्ट वाले सेशन की बात करें तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इन इक्टी किया था और इनक्वलिटी में जो नॉर्मल इनिक्वरिटी हमारी होती है जैसे इन इक्वलिटी में आ, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन और बेसिक इनिक्वलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है ठीक है

फोर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीन के आपको देखने को मिल सकते हैं उनमें से जो सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली बो कर चुके हैं और उसमें नेगेटिव वाली आज करेंगे कंडीशनल वाली भी पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कंडिशनल इक्विटी के भी देखे थे आज की क्लास में हम लोग इन इक्वलिटी के दो टाइप जैसे मैंने आपको बोला एक तो नेगेटिव और एक कोडेड दो टाइप के इनक्विटी चलो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लिंक को जहां पे भी शेयर कर सकते हैं वो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एट द रेट रीजनिंग बाई बसंत सर आप चाहें तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यानी इस हैंडल को कॉपी करके सर बिना स्पेस इस हैंडल से पहुंच सकते हैं या क्यू आर को स्कैन करके पहुंच सकते हैं चलिए आइए बात करते हैं बुक सुपर के बारे में, आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताऊंगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं टेक्स बुक सुपर कोचिंग है क्या बेसिकली जो सुपर कोचिंग है आपका वो जो है इसमें आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ट्वेंटी सुपर टीचर्स के द्वारा साथ में आपको प्लस मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स मिलते हैं प्लेटफॉर्म है, ऐसा मिलेगा जहां पे आपके कोई डाउट होते हैं तो उसको पूछ सकते हैं ऑल ओवर जो जो इंडिया बेस्ट फैकल्टीज उनकी क्लास जैसे अंशुल सैनी विशाल भट्ट या पुनीत चौधरी इनकी क्लासेस का एक्सेस आपको यहां पे मिलता है और एक बात और ध्यान रखिएगा ये जो क्लासेज है ये प्रीलोडेड रहती है यानी आपको वेट नहीं करना पड़ता है किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता ये नहीं करना पड़ेगा कि आप कब ये क्लास Complete हो ये वाली क्लास का सेशन कब होगा या ये टॉपिक आपको जब करना है तो आपको उन सब चीजों के लिए वेट नहीं करना पड़ता आप चाहे तो एक एक दिन में आप चाहे महीने भर में हफ्ते भर में जैसे आपका मन करे उतने दिन में कर सकते हैं अब आपके दिमाग में और चल रहा होगा कि लाइव क्लासेस मिलेंगी क्या तो आपको यहां पे लाइव क्लासेस भी मिलती हैं जैसे मिर्जा सर की चिराग सर की पुष्पक सर की सुमित सर की और आदित्य सर की इन सभी फैकल्टी सुपर टीचर्स की आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ठीक है आपको करना क्या है जो प्राइस है वो वो है ट्रिपल पर मंथ लेकिन आपको ये प्राइस पे नहीं करना है आपको मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना है बी एस एन टी जैसे आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा चलिए अब आते हैं हम लोग आ, पहले कॉन्सेप्ट तो पहले तो नोट नोटिप्ड समझेंगे Not के में दो चीजें हैं दो तरीके से एक तो नॉट इक्वल है और जितने भी नेगेटिव हैं वो समझ बहुत सिंपल सी बात है देखो जैसे आपको ग्रेटर लिख दिया जाए बड़ा और ग्रेटर के साथ ऐसे ही नेगेटिव साइन लगा दिया जिसका क्या मतलब हुआ बड़ा नहीं है तीन ही पॉसिबिलिटी होती है बड़े होने की छोटे होने की और बराबर होने की यहां पे इन्होंने कह दिया बड़ा नहीं है अब अगर बड़ा नहीं है तो दो ही कंडीशन है या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा ऐसे ही अगला आता है नॉट लेस यानी छोटा नहीं है अब अगर ये छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा बराबर होगा तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा ग्रेटर इक्वल को नॉट लेस किसको रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा अब बात आती है तीसरे साइन की जहां पे नॉट इक्वल बराबर नहीं है बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा छोटा होगा ऐसे ही दो और साइन जिसमें सबसे पहले ग्रेटर ग्रेटर नॉट इक्वल बड़ा या बराबर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ ना तो बड़ा है ना बराबर है यानी ये क्या है छोटा है ऐसे ही अगर मैं लिखूं नॉट लेस इक्वल इसका क्या मतलब होगा नॉट लेस नॉट इक्वल इसका मतलब क्या हुआ ग्रेटर तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर अब ये वाली चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लेकिन यहां पे एक मैन इक्वलिटी बाकी सब तो ठीक है ये जो नॉट इक्वल है ना इसका जो बिहेवियर है ये बाकी साइन से पूरी तरीके से अलग है तो नॉट इक्वल को हमें स्पेसिफिकली मैं उसके बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा वो, वो उसको समझाऊंगा कैसे करना है चलो कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे सारा कार्यक्रम ओके पहला सवाल आपके सामने है कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है ठीक है कंक्लूजन आपके ऑप्शन दिए गए पहला कह रहा है इफ केवल के, यदि केवल पहला कंक्लूजन सत्य है यदि केवल दूसरा सत्य है दोनों में इधर और का कंडीशन बनता है या यानी इधर का बनता है या दोनों ही कंक्लूजन अकेले तौर पे अगर सही है तो आपको उस हिसाब से आंसर मार्क करना रहेगा सभी लोग ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आ जाने चाहिए इस वाले प्रश्न के लिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर मार्क करते हैं गो हैड बाई क्विकली बताइए आंसर बनेगा हम अरे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए भाई टाइमर देखो ट्वेंटी सेकंड का मैं टाइमर आपको यहां पे चला दे रहा हूं बीस सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो गया आई होप विद इन ट्वेंटी सेकंड आपका आंसर भी आ जाएगा चलो <coughs> प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या है वो आपको बताना है देखो सबसे पहले हमने कंपैरिजन कहां करना है ओ और एफ का कंपैरिजन करना है अब आप स्टेटमेंट में आ जाओ ओ कहां है यहां पे और एफ किस जगह है यहां पे ये यह अगर आप पूरा ऑब्जर्व करें ना ओ से लेकर एफ तक तो यहां क्या लिख रखा है ये आप देखो इस जगह पे ऑब्जर्व करो नॉट लेस इक्वल यानी क्या है ये छोटा बराबर नहीं है तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो यहां क्या साइन रिप्रेजेंट होना चाहिए ग्रेटर का साइन रिप्रेजेंट होना चाहिए अगला ही ऐसे ही ये, equal, ये भी क्या, F. का क्या मतलब होता है या तो ओ एफ से बड़ा होगा या फिर ओ एफ से क्या होगा छोटा होगा दो संभावनाओं को व्यक्त करता है आपने कहा ये कंक्लूजन सही नहीं हो सकता पहला गलत हो गया दूसरे पी और के को कंपेयर करना है पी कहां है यहां पर है और के इस जगह पे है इनके बीच के साइन को देखेंगे P के साथ यहां पे क्या साइन लगा हुआ नॉट ग्रेटर और यहां भी नॉट ग्रेटर इसका मतलब ये दोनों क्या आएगा K लेस इक्वल P देखो यहां से K लेस इक्वल क्या है क्या आ आ इसका मतलब दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है बिल्कुल सही है K या तो छोटा होगा P से या फिर K और P क्या होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे सही उत्तर क्या होना चाहिए क्या सही उत्तर होना चाहिए बताइए क्या राइट आंसर होगा वाला बिल्कुल सत्य दिख रहा है बताएं किसी को अगर इसमें डाउट है तो प्लीज मेंशन करें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या बोलिए किसी को किसी तरीके का डाउट है अगर आपको कोई डाउट नहीं है वी कैन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले सवाल पे चल सकते हैं ये रहा अगला सवाल आपके सामने फिर वो गलती मत कर देना जो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने किया है चलिए जी ट्वेंटी सेकंड का आपका टाइमर मैं स्टार्ट करूंगा इस प्रश्न के लिए भी और ये रहा ट्वेंटी सेकंड का टाइमर आपके सामने स्क्रीन पे उम्मीद करेंगे बीस सेकंड के भीतर आप इस प्रश्न के लिए सही उत्तर कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे चलिए समय समाप्त हो गया

दूसरे की बात करें क्या लिखा हुआ एस इक्वल टू टी एस क्या है टी से बराबर है अब आपने कहा जी देखो एस डब्ल्यू दोनों सेम है फिर से w और t को कंपेयर करोगे फिर से वही बात आ गई इनके बीच में उल्टे साइन है आपने कहा दूसरा भी गलत है अब कोई अगर ये बोलना चाहे कि इधर और आएगा नहीं जी इधर और तब आता क्योंकि यहां पे देखो w और S सेम वेरिएबल हैं। अगर ये तीनों संभावनाओं को व्यक्त कर रहा होता बड़ा छोटा और बराबर तीनों ही ही पॉसिबिलिटीज आ रही होती तो ही सही उत्तर होता ईदर और बट यहां पे क्या है नीदर नॉर राइट आंसर के रूप में बनेगा क्योंकि आपको समझ में आ गया टी और डब्ल्यू के बीच में क्या है? उल्टे साइन बनने तीन पॉसिबिलिटी बनती है छोटे बड़े और बराबर के और तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे आएगी नहीं क्या आंसर बनना चाहिए इधर और अब होगा नहीं इसका मतलब क्या होना चाहिए नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड आंसर होगा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ट्वेंटी सेकेंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो गया आंसर कर चलिए भाई उत्तम हा क्या आंसर बनेगा इसके लिए ओके रोहित आपने ए इसके लिए बोला यू और एम को कंपेयर कर लेते हैं यू कहां है इस जगह पे और एम कहां पे है जी यहां पे ये नॉट लेस देन है पहला साइन क्या है नॉट लेस देन इसका मतलब ये क्या व्यक्त करेगा ग्रेटर इक्वल को व्यक्त करेगा अगला साइन क्या है नॉट लेस देन इसका मतलब ये क्या व्यक्त करेगा ग्रेटर व्यक्त करेगा फिर क्या लिखा हुआ है नॉट लेस इक्वल ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा अच्छा देखो नॉट लेस दूसरे में भी है ये भी ग्रेटर इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वाला नॉट लेस ना तो छोटा नहीं है यानी बड़ा होगा या बराबर होगा ये क्या है नॉट लेस इक्वल ना तो छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा क्लियरली बड़ा होगा तो ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है अब आपने कह दिया ठीक है जी एम से लेकर हमको यू तक देखना है सारे साइन आपको देखो यहां पे एक ही क्रम में है एक ही ऑर्डर में सारे के सारे साइन इसी तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं करेक्ट है अगर इनका क्रम सही है इधर से देखिए सब इस तरफ ओपन है क्रम सही है और एक सिंगल साइन यहां पे देखने को मिले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर ऑर्डर सही हो तब आपको देख रहे हैं सिंगल आपने देखा यहां पे एक सिंगल साइन है और ये सिंगल साइन ही हमारे कंक्लूजन में आना चाहिए जो कि एम की तरफ ओपन दिख रहा है वही दे रखा है यहां पे कंक्लूजन क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया पहला वाला आर और जी को कंपेयर कर लेते हैं आर कहा है जी यहां पर और जी इस जगह पे है आर और जी के बीच में अगर देखोगे तो ये तो हो गया लेस देन क्योंकि ये वाला साइन आपने डी कर लिया नॉट लेस इक्वल है तो ग्रेटर बन जाएगा फिर ये क्या बनेगा नॉट ग्रेटर है तो लेस इक्वल बन जाएगा अब आपको यहीं पे दिख रहा है कि दोनों साइन उल्टे हैं जैसा उल्टा साइन आएगा कोई भी कंक्लूजन दिया रहेगा वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा यानी केवल पहला वाला सही होगा राइट आंसर ऑप्शन वन होगा रोहित आपने बिल्कुल सही आंसर किया था अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है सभी लोग इसका कुछ, इस क्वेश्चन के लिए आंसर मार्क करेंगे टाइमर में आपका स्टार्ट कर रहा हूं अभी से <coughs> क्या आंसर बनेगा जल्दी बताइए इधर रोहित ने बोला है इसके बनेगा। और राइट चलो अब इसका कंपेरिजन कर लेते हैं जे और आर को देखना है जे कहां है यहां पे। आर किस जगह पे है यहां पे। करेक्ट है पहला लिख रखा है यू और वाई के बीच में नॉट ग्रेटर आप देखो यहां पे नॉट ग्रेटर इसका मतलब ये क्या बनाएगा लेस इक्वल दूसरा साइन भी नॉट ग्रेटर है ये क्या बनाएगा लेस इक्वल बनाएगा अब अगर आप जे को और आर को कंपेयर करोगे सीधे तौर पे आपको दिख रहा होगा कि आर बड़ा है किससे या बराबर है किससे जे से आर और जे में सारे साइन आर की तरफ ओपन है कोई सिंगल साइन नहीं है यानी कंक्लूजन क्या होगा डबल साइन वाला होना चाहिए और वो आर की तरफ बड़ा या बराबर वाला बताने वाला होना चाहिए यानी होना चाहिए आर ग्रेटर इक्वल टू जे अब आपने कहा पहले कंक्लूजन में देखो जे और आर लिख रखा है यहां पे क्या लिख रखा है जे ग्रेटर देन आर लिखा है इसका मतलब नॉट ग्रेटर है तो इससे क्या समझ में आया जे लेस इक्वल आर हो गया जे क्या हो गया लेस इक्वल आर वही बात आपको मिली है देखने को तो पहला वाला इंडिविजुअली बिल्कुल सही हो गया बोलिए फर्स्ट वाला कंक्लूजन इंडिविजुअली यहां पर सही हो गया अभी इधर और कांसेप्ट ही खत्म हो गया यहां पर रोहित वापस देखिए क्या ध्यान से क्या है यहां से U और हम J और R को देखेंगे तो हमें मिल रहा है R इज ग्रेटर इक्वल टू J या फिर आप कहें J इज लेस इक्वल टू R और ये यह, यहां पे क्या लिखा है कंक्लूजन वन में J इज नॉट ग्रेटर देन R बड़ा नहीं है आर से तो नॉट ग्रेटर होने का क्या मतलब हुआ या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा बराबर होगा J इज लेस इक्वस टू आर और वही हमें मिल रहा है पहला वाला अकेले सही हो गया अब आते हैं और यू। तो आपने कहा यहां पर मतलब ये कहना चाह रहे हैं ग्रेटर यू। आर यू से क्या है बड़ा है आप कंक्लूजन में देखो आर बड़ा है या बराबर है यू से इन्होंने केवल बड़ा बात बोली है केवल बड़े की बात बोली है आपने कहा इंडिविजुअल हो जाएगा केवल पहला वाला सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब नॉट इक्वल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं चलो क्वल के कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूंगा बाकी सभी लोगों से यही चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में आप बताइए बीस सेकेंड का टाइमर दे रहा हूं और यहीं पर मैं आपको पॉइंट नॉट इक्वल का भी बता दूंगा कि नॉट इक्वल का बिहेवियर बाकी इनइक्वेलिटी सिंबल से बिल्कुल अलग होता है और वो क्या होता है और क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे चलिए नॉट इक्वल कैसे बिहेव करता है टाइम अप समय खत्म देखो पहली बात सी और एच बोथ द वेरिएबल्स आर सेम इज इन डेट दोनों ही वेरिएबल क्या है बोथ आर सेम पहला जो पॉइंट दैट शुड बी नोटेड और यहां पे हमें ये मालूम है फॉर द ईदर और पहली बात जो जो सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट है वो दोनों में सेम होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ना अब जनरली लोगों का ये कहना होता है कि भाई सर यहां देखो सी और एच लिख रखा है बोथ आर अलग डिफरेंट और यहां पे एफ और एफ वो तो चलो ठीक है पर सब्जेक्ट अलग है दोनों में करेक्ट है बट यहां पे ऐसा है नहीं ये वेरिएबल के टर्म में हम बात जब करते हैं तो आप देखोगे यहां पे सी एन एच बोथ वेरिएबल्सर इज इक्वल साइन यूज बिटवीन देम उनके मध्य क्या यूज किया गया है इक्वल साइन को यूज किया गया है अब हम C और F को कंपेयर करने के लिए चलते हैं कुछ पॉइंट में आपको बताऊंगा देखो यहां से यहां पर याद क्या रखना है नॉट इक्वल इफ इट कम्स विद एनी इन इक्वलिटी साइन किसी भी इन इक्वलिटी सिंबल या साइन के साथ आता है चाहे वो ग्रेटर हो लेस हो ग्रेटर इक्वल हो या लेस इक्वल हो इनफैक्ट वो खुद के साथ रिपीट हो यानी नॉट इक्वल कम्स विद नॉट इक्वल इट ऐसी हर एक स्थिति में देर विल बी थ्री पॉसिबिलिटीज ग्रेटर लेस एंड इक्वल जैसे आपका बिहेवियर होता है उल्टे साइन के केस में और जो काम आप उल्टे साइन के केस में क्या करते हो तीन साइन ढूंढते हो इधर और के लिए यही तो काम करते हैं जब उल्टा होता है सिंबल उल्टा हो गया तो हम तीन साइन ढूंढते इधर और के लिए सेम यहां पे भी होगा अगर नॉट इक्वल कोई साइन के साथ आए देखो यहां पे नॉट इक्वल के साथ क्या दिख रहा है लेस इक्वल दिख रहा है तो नॉट इक्वल के साथ नॉट इक्वल के साथ कोई भी साइन इनफैक्ट यहां पर लेस इक्वल दिख रहा है अगर ये आ गया आपको सी और एफ को कंपेयर करना था आप समझ जाओ कोई अकेला कंक्लूजन सही नहीं हो सकता सी एफ यहां पे हो गया गलत सेम स्थिति आपकी एच और एफ के बीच में भी बनेगी क्योंकि सी और एच दोनों है क्या सेम तो एच की जगह आप एक बार के लिए सी सी काउंट कर लो C और एफ फिर से क्या होगा ये भी हो गया गलत अब आपने कहा ये तो हो गया जी अब क्या हम इधर और यूज कर सकते हैं तीन साइन अगर हमें मिल रहे हो तो आप पहले में देखो फर्स्ट कंक्लूजन में सी ग्रेटर एफ मिल रहा है सी छोटा मिल रहा है एक पॉसिबिलिटी आपकी मिल गई दो और चाहिए

यानी कोई भी साइन का पेयर बने ग्रेटर का बने लेस का बने ग्रेटर इक्वल का बने लेस इक्वल का बने मतलब इस जगह पे कोई भी साइन आप रख दो इनफैक्ट नॉट इक्वल को खुद को रख दो तो हर बार वो क्या देगा नो no रिलेशन की कंडीशन बिल्कुल वैसा ही वैसे उल्टा होने पर होता है वैसे ही यहां पर सीएनडी बना लेगा यानी तीन पॉसिबिलिटी आ जाएगी बड़े होने की छोटे होने की और बराबर होने की जो होनी इधर और के लिए वहां पर ढूंढते हैं वही काम हम यहां पर भी इधर और के लिए करने लगेंगे करेक्ट है चलो अगले सवाल सवाल पे आते हैं अगला प्रश्न आपके सामने मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वाले प्रश्न के लिए सही उत्तर करोगे चलो भाई अब एक और पॉइंट आता है नॉट इक्वल कब एकदम कॉन्क्रीट कंक्लूजन देगा नॉट इक्वल केस में कब कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा उसके बारे में बात करेंगे ट्वेंटी सेकेंड का आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया सभी लोग टाइमर के साथ चलेंगे और बीस सेकेंड के भीतर कोशिश करें कॉमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर मेंशन कर दें, फिर हम लोग कोडेड भी देखेंगे क्या कंपेयर करना है बोलिए किसको कंपेयर करना है जे और के को पहले में क्या देखना है जे और के को नीदर रोहित आपने इसका आंसर किया नीदर काउंटी चतुर्वेदी आपने डी इसके लिए आंसर मार्क किया हुआ है यानी डी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ये वाला विकल्प द फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों ही आपके मुताबिक रॉन्ग है आप लोगों के हिसाब से चलो देखते जे, जे, जे को यानी जी और जे अब यहां पे देखो जेड लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है जे लिखा हुआ है यहां से यहां तक पूरे अगर इसमें देखिए पूरे स्टेटमेंट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां देखो एक नॉट इक्वल है और नॉट इक्वल के साथ ये भी ग्रेटर इक्वल भी है हमने कहा था नॉट इक्वल किसी साइन के साथ आ जाए जिन दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में एक नॉट इक्वल हो उसके साथ कोई साइन बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा बराबर या नॉट इक्वल खुद भी अगर ये सभी आते हैं इनमें से कोई भी एक भी आ जाए तो वैसे ही बिहेवियर होगा जैसे उल्टे साइन के केस में हम लोग नहीं करते ए ग्रेटर बी लेस सी हो जाता है उल्टा हो जाता है जैसा हम बिहेवियर समझते हैं वैसा ही बिहेव करेगा तो आपने कहा यहां पे जे, जी और ये को कंपेयर करना था हमने ज, जेड को और जे को कंपेयर करना था हमने देखा सारे साइन तो ठीक है लेकिन यहां पे नॉट इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल आ गया जैसे ही ये देखा हमने कहा तीन पॉसिबिलिटी बनने लगेगी जेड और जे के बीच में बड़े छोटे और बराबर की पहले में केवल बड़ा दिया हुआ है आपने कहा इनकंप्लीट हो गया फर्स्ट वन इज रॉन्ग नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन जेड नॉट इक्वल के बराबर नहीं है अब जेड और के को देखो यहां से यहां पर जेड से के यही एक ऐसी स्थिति होती है जब हमें कंफर्म कंक्लूजन मिलता है नॉट इक्वल केस में z नॉट इक्वल a और a इक्वल k तो यहां पे क्या बनेगा a और k बराबर है तो A की जगह आप k को काउंट कर सकते हो तो बनेगा z नॉट इक्वल k बात है सही अब यही दो एक बार बात बता दे रहा हूं अगर मान लो दो कंक्लूजन में पहले में लिखा हो z ग्रेटर k और दूसरे में लिखा हो z लेस देन k एक बार लिखा हो z k से बड़ा है और एक बार लिखा हो z k से क्या है छोटा है अब आप क्या करोगे यहां पे बनता क्या है z नॉट इक्वल k और नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है या तो z k से बड़ा होगा या फिर z k से क्या होगा छोटा होगा तब आप यहां पे भी इदर और यूज करते लेकिन चूंकि यहां इंडिविजुअली कंक्लूजन सही है सेकंड वन अलोन इज सफिशिएंट आई मीन सेकंड अलोन इज करेक्ट दूसरा अकेले ही सही है तो राइट right आंसर इसके लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए बोलो देखो आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमें जरूर बताइएगा बोलिएगा आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है ना जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है नेगेटिव इन हाला, ये हालांकि ज्यादातर केसेस में के एग्जाम जितने भी आप दोगे उसके हिसाब से रहेगा सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है ना इफ इज हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं आप ये मे बी आपने इसके पहले नहीं पढ़ा हो ऐसा भी हो सकता है ना पहले लगा था कि बी होगा <laughs> चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी गलती नहीं होनी चाहिए वापस देखिएगा जितने लोग हैं सबको चैलेंज है भाई एस और एक्स को कंपेयर करना है पहले में क्या है एस यहां पर है और एक्स कहा है जी यहां पे है इन दोनों को कंपैरिजन में डालना है और आपको बताना है इन दोनों कंक्लूजन में से क्या सही मतलब राइट right आंसर आपका कौन सा होना चाहिए आपके पास ये है पांच विकल्प इन पांचों विकल्पों में से कौन सा सही होगा वो आप बताएंगे चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे जितेंद्र का कहना है इसके लिए बी होगा रोहित आप बी कह रहे हो और कोई है जो आंसर करेगा इसके लिए एंजल uh, प्रिया आपने ओनली सेकेंड बोला है ओके कौंटी चतुर्वेदी आपने इसके लिए बी बोला है ओके okay? चलो देख लेते हैं क्या बी इसके लिए सही आंसर के रूप में होगा एस और एक्स को कंपेयर करना एस यहां पे एक्स यहां पे। ध्यान से देखो नॉट इक्वल के साथ कोई भी साइन छोटा बड़ा छोटा बराबर बड़ा बराबर या फिर वो खुद आए तो तीन संभावनाएं एस और सी के बीच में बनेंगी एस सी से बड़ा भी हो सकता है एस सी से छोटा भी हो सकता है और एस और सी आपस में बराबर भी हो सकते हैं ये तीनों संभावनाएं आपकी निकल के आती हैं यहां पे अब चूंकि एस और एक्स को देख रहे हैं यहां सी को देखें बात तो सेम है है ना तो आपने कहा एस और एक्स देख लो चलो यहां पे सी की जगह पे एक्स मान लो कोई दिक्कत नहीं यही तो बात हुई तीन संभावनाएं बनी क्या तीनों संभावनाएं यहां अकेले में है

अगर ऐसा रखा होता कि एक कंक्लूजन में y ग्रेटर देन c रखा होता और एक में y लेस देन c रखा होता तब आप क्या आंसर करते रोहित आपने इधर बोला है एंजल प्रिया आपने भी इधर इसके लिए बोला है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग जो लोग इधर बोल रहे हैं करेक्ट है क्यों क्योंकि बनेगा नॉट इक्वल और नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं दो स्थितियों में बराबर नहीं होता है जैसे अगर मैं किसी से बड़ा हो जाऊं उम्र में तो मैं इसका मतलब क्लियरली हम दोनों एज में बराबर नहीं है अगर मैं किसी से छोटा हो जाऊं उस स्थिति में भी हम दोनों की एज बराबर नहीं होगी तो नॉट इक्वल कहने का मतलब यह हुआ या तो बड़े होंगे या फिर क्या होंगे छोटे होंगे दो संभावनाएं आती हैं अगले प्रश्न पे आ गए यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ट्वेंटी सेकेंड का टाइम स्टार्ट करूंगा एंड दिस टाइम आई होप कि आप लोग इसके लिए सही आंसर कर ले जाओगे हेवी गो मा के आंसर ट्वेंटी सेकेंड कौन सा पुनीत कौन से में डाउट है प्लीज आप बताएंगे अगर पिछले क्वेश्चन में डाउट है क्या पुनित आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा लास्ट क्वेश्चन में प्लीज मेंशन करना मैं जरूर आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प करूंगा सर एक बार और नॉट इक्वल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो पुनित ऐसा कहना है आपका नीदर नॉट हाँ बिल्कुल कर दूंगा पुनित डोंट वरी अभी यहीं पर मैं बता दूंगा ठीक है ना नीदर आंसर आएगा रोहित का कहना है और अरे पुनित प्लीज कहने की जरूरत नहीं मैं जरूर करूंगा मेरे भाई जितेंद्र आपने इसके लिए डी आंसर बोला है नींदनौर और किसी का आंसर आना है जी चलो भाई पहला देख लेते हैं किसको देखना है एल और टी को देखना है एल कहां है यहां पे? यहां टी हमने आपको बोला था कि नॉट इक्वल के साथ कोई भी आए जैसे हमने कहा ए यहां पे एक हम नॉट इक्वल लिख लेते हैं पहले से बी और यहां पे एक स्पेस छोड़ देते हैं और यहां पे सी लिख देते हैं बी आप देखो ए और सी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एक सिंबल आपको क्या मिल गया नॉट इक्वल मिल गया अब एक सिंबल नॉट इक्वल मिलने के बाद कोई भी साइन अगर अगला साइन बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा बराबर या फिर खुद नॉट इक्वल ही अगर मिल जाए इन सभी स्थितियों में इन सभी परिस्थितियों में ए और सी के मध्य तीन संभावनाएं बनेंगी ए के सी से बड़े होने की ए सी से ए के सी से छोटे होने की और ए और सी के दोनों के आपस में बराबर होने की ये तीन संभावनाएं निकल के आपके सामने आएंगी ठीक है अगर ये तीनों पॉसिबिलिटीज एक साथ कहीं रखी जा सके जो कि संभव नहीं है आपको पता है तो हम कहते बिल्कुल सही है बट ऐसा संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये कोई भी अकेला कंक्लूजन सही नहीं होने देगा और वही याद करो जब उल्टा होता था ए ग्रेटर बी लेस सी अगर ए और सी के बीच में उल्टा हो जाए ऐसे ऐसे हम तीन सिंबल के बीच में इधर और ढूंढते हैं सेम है स्थित यहां पे भी बनेगी हाँ नॉट इक्वल एक बार नॉट इक्वल हो उसके साथ इक्वल हो जैसे यहां ए और बी के बीच में देख लो एक बार नॉट इक्वल है उसके साथ इक्वल है तो आप कह देते यहां पर कंक्लूजन आएगा और वो कंक्लूजन क्या होगा ए नॉट इक्वल क्या होगा ए नॉट इक्वल बी क्या बनेगा ए नॉट इक्वल बी ऐसा बनता हमारा करेक्ट है बराबर वही कंक्लूजन मिलता है आपको बाकी देखो यहां एल और टी को कंपेयर करना है हमने देखा यहां पे एल है और यहां पे क्या है टी है एल और टी के बीच में यहां भी नॉट इक्वल यहां भी नॉट इक्वल दो दो बार नॉट इक्वल है नॉट इक्वल कम्स विद नॉट इक्वल क्या देगा नो रिलेशन तीन साइन और नो no रिलेशन तीन साइन का मतलब अकेला कंक्लूजन तो करेक्ट होने से रहा तो आपने कहा यह हो गया गलत फिर अगला देखो के और टी को कंपेयर करना है के यहां पर है टी यहां पर है फिर से वही बात यहां तो इन इक्वलिटी साइन में उल्टे हो गए या फिर आप बोलो नॉट इक्वल के साथ कोई साइन आ गया लेस आ गया ग्रेटर आ गया कोई भी ऐसी स्थिति सारी स्थितियां बन रही है वैसी तो आपने कहा कंक्लूजन भी अकेले सही नहीं होगा अच्छा आप सुनो अगर यहां पर मैं एक कंक्लूजन लिखता एल नॉट इक्वल टी और दूसरा कंक्लूजन होता एल इक्वल टू टी तब आपका क्या आंसर होता कमेंट बॉक्स में टाइप करके सभी लोग बताएंगे ऐसी स्थिति में आपका क्या आंसर बनता क्या आप आंसर मांग करते इसके लिए अगर पहला लिखा होता एल नॉट इक्वलिटी और दूसरा लिखा होता एल इक्वलिटी तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा आंसर यहां पर मार्क करते थे क्या उत्तर बताते बोलिए तब क्या कहते हैं आप क्या आंसर होना चाहिए हाँ। इधर रोहित ने बोला है और कोई आंसर बोलेगा तब आप इसके लिए क्या बोलते इधर बोलते और अगर आप इधर कहते तो आप बिल्कुल सही होते इन दोनों के मध्य इसके और इसके इन दोनों के मध्य में क्या होता इधर और ही लगता था क्यों ऐसा होता हमने आपको बोला नॉट इक्वल के साथ कोई भी साइन आए तो यहां एल और टी के बीच में नॉट इक्वल के साथ आ गया आप समझ जाओ नो रिलेशन सी डी वाली स्थिति उल्टे साइन वाली स्थिति यानी तीन पॉसिबिलिटी बड़ा छोटा बराबर पहले से हमें क्या मिल रहा है या तो एल टी से बड़ा होगा और या फिर छोटा होगा नॉट इक्वल का तो यही मतलब हुआ दो साइन हमें पहले वाले कंक्लूजन में दिख रहे हैं बड़ा या फिर छोटा और दूसरे वाले से हमें मिल जाता बराबर अगर हम इधर और यूज करते इन दोनों के तो हमारे तीनों साइन साइन हमारे तीनों तीनों छोटा बड़ा और बराबर तीनों एक साथ आ जाते थे तो हम बोलते हैं, यहां पर इधर और लगाते बिल्कुल सही बात है रोहित ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो जितेंद्र आपको तो समझ में आया ना पुल पुनीत समझ में आया ना नॉट इक्वल के साथ कोई भी साइन आए कोई भी साइन में बने तो वो क्या देगा नीदर देगा मतलब वो क्या देगा नो रिलेशन यानी कोई भी कंक्लूजन अकेले तौर पे किसी भी स्थिति में सही नहीं पर चलो अभी कोडेड वाले पार्ट पे आ गए इसको मैं समझा दे रहा हूं क्या है देखो कोडेड को करने के कई सारे आपके नायाब तरीके हो सकते हैं मैं उनमें से एक तरीका आपको बता दे रहा हूं

आप देख सकते हो इक्वल दोनों में भी कॉमन दिख रहा होगा इक्वल दोनों में ही कॉमन दिख रहा होगा वॉइस नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही एक मिनट वॉइस आ रही तो है प्रॉपर हाँ साउंड एक बार आप चेक करो आपको आवाज सु आ रही है ना ऑल ओके चलो रोहित आपने इसके लिए सी आंसर बोला अब क्या करो सभी साइन को अलॉट कर लेते हैं देखो मैं आपको a1 b1 समझाता हूं a b का मतलब क्या है a b a is सॉरी डायरेक्टली लिखा हुआ a is smaller than यानी जहां छोटा है ना वहां एट द रेट सिंबल को लिख लो गए लिख लो बस करने की जरूरत नहीं है करेक्ट तो हाँ। चलो वो आवाज वाली बात सुन के लग रहा है ये घबरा गया चलो एट द रेट लिख लिया फिर अगला स्टार का मतलब है A अब इसको इतना सब जहमत करने से अच्छा है ना यहीं यहीं पे कंपेयर करते हैं ठीक है यहीं पे जो साइन रखे हुए हैं यहीं पे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं अगर आप लिख लोगे तो बहुत अच्छा है ठीक है एक जगह पे सभी अगर अलाइन कर लो तो बहुत अच्छा है और उसका एक तरीका मैं हमेशा बताता हूं जैसे यहां पे ग्रेटर इक्वल लख लो यहां पे लेस इक्वल लख लो यहां ग्रेटर लिख लो यहां लेस लिख लो यहां इक्वल लिख लो चार एरो इनसाइड आउट बना लो कैसे चार एरो इनसाइड आउट दो एरो अपसाइड डाउन सारे सिंबल को अलॉट कर लीजिए तो होगा? ग्रेटर स्टार को मेंशन कर लिया। फिर उसी तरह से एंड का मतलब क्या है ए इज इक्वल टू बी एंड का क्या मतलब है

और फिर सभी कंक्लूजन को ओरली चेक करेंगे जैसे जी और जे को कंपेयर करना जी यहां पर है जे यहां पे सारे साइन देख लो स्टार डॉलर एट स्टार कहां है इस जगह पे है डॉलर कहां है यहां पे है आपने कहा ठीक है जी स्टार से डॉलर जा सकते हैं देखो ये एरो बना हुआ है ये रास्ता डिनोट करता है पाथ डिनोट करता है स्टार से आप डॉलर गए एरो नीचे ये वन बे रास्ता दिखा रहा है जितने भी ये एरो दिखा रहे क्या दिखा रहे वन बे पता है ना वन वे जैसे आप वन वे यहां से यहां चले गए पुलिस बैठी बोलेगी वापस जाओ ये वन बे रास्ता है गलत आ गए तो वही चीज़ भी, भी है हाँ, रास्ता है रास्ता तो स्टार से गए डॉलर पे वापस कहां स्टार पे हमें सिंबल क्या मिला स्टार सिंबल मिला अब यहां पे देख लो जी और साइन अगला क्या है जे पहला साइन क्या है जी दूसरा साइन क्या है जे एक मिनट भाई